मोरे जिया। ए, देखी नहीं लोग आए घर पे, उठा रखो जहाँ से। जी वो मैंने ऊपर वाला कमरा साफ कर दिया। हाँ ठीक है, कोई एहसान नहीं किया, जा यहाँ से। ब्यूटीफुल। पंखा है, खिड़की है, और ये देखो क्या बेड भी है। नाइस ना? राम कचौरी। लिसन, अब हम अकेले हैं। आई नो हम अकेले हैं। तो क्या ख्याल है, शुरू करें? क्या? अरे वही जो लीला ने कहा था, सुहाग रात। Listen, just shut up please, okay? अरे अपने पति से कोई ऐसे बात करता है? अरे पति परमेश्वर होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। चलो जल्दी करो मेरी सेवा। सेवा करवानी है ना? लो। 2 मिनट। कहाँ रह गई? Come on. सेवा बता देना कैसा लगा। हाँ सेवा रही है, क्या कर रही हो? सेवा, हाँ सेवा चाहिए तुम्हें। और ये बात करो, हाँ इनका देखो प्लीज मत करो। अरे मैं सेवा चाहिए तुम्हें ना, हाँ मत करो ऐसा। अरे मैं मजाक कर रहा था। क्या तोड़ दिया इन्होंने आते ही। जाने नहीं दीजिए ना, समझते नहीं आप। अरे इसको समझने वाली क्या बात है, पहली शादी हुई है इनकी। कैसे चाहिए? बहुत कहाँ रहे हो तुम? हाँ? सीमा, ये लो, और सीमा। नहीं। बाहर आजा, कुछ बात करनी है भाई। हाँ जी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम विवाह है, और सुहाग रात भी नहीं मनी अब तक। पर मेरे घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ जी, नहीं होगी। सुहासनी मैम का फोन मैं उठा लेती हूँ। आई एम श्योर वो जानती होगी कि आदर्श मेरे साथ है। अरे राम कटोरी, किसका फोन है? वो आपके माताजी का फोन है। हम बात कर लेते हैं। ओह गॉड, मॉम का फोन। अगर स्वाधीनता ने उठा लिया तो। हाँ क्या हुआ, इतना उतावला क्यों हो रहा है? तेरी पत्नी के पास ही तो है फोन। जी जी समझ गया। हेलो हेलो हेलो, लड़की की आवाज क्यों? क्या हुआ? क्या पूछ रही है राम कचौरी? कचौरी नहीं, कटोरी है वो। हाँ हाँ कटोरी, क्या हुआ, जवाब दे। हैं? ऐसे पागलों की तरह भागता हुआ आया, तेरी माँ से बात कर लेगी तो भुचाला जाएगा क्या? अरे बिल्कुल आ जाता, आप हमारी माँ को नहीं जानते, वो बहुत गुस्से वाली है वो। अरे राम कटोरी है ना, इसका गुस्सा तो आसमान से भी आ गया है। दोनों आपस में भिड़ जाएं तो हमारी तो खैर नहीं रहती। और एक बात हम बताएं, बता देना। बोलो। आपके घर का ना कोई सामान तोड़ेंगे, और किराया देने में भी कोई देरी नहीं करेंगे। और हाँ, अगली बार जब आप हमारे कमरे में आए तो जरा। हाँ ठीक है, नहीं आएंगे, हमें कोई शौक नहीं है किसी के कमरे में आने का। क्या था, मैं सुहासनी मैम से फोन पे बात कर लेती तो क्या हो जाता? उन्हें तो पता है कि ना तुम यहाँ पे हो। हाँ पता था, बट एक्चुअली मॉम से कुछ जरूरी बात करनी थी। देखो मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा, तो अपना ख्याल रखना। ओके? या मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तुम बताओ। और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेना ताकि उनको ये लगे कि मैं घर में ही हूँ। और हाँ, लाइट जरूर ऑफ करना ताकि उनको ऐसा लगे कि हम सो चुके हैं। और प्लीज कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अमिताभ बच्चन मत बन जाना यार। जी ना, मुझे कॉल करना। डन, थैंक यू। ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। लॉक कर लेना दरवाजा। हाँ, बाय। बड़ा स्वाद बनाए जी, हैं? रोज की तरह तो है। आज मैंने कसूरी मेथी ज्यादा डाली थोड़ी। मैंने करी इसको। तोड़ फोड़ ना हो यहाँ पे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप भी, खाना खाते हुए? बैठिए ना, बिल्ली होगी। बैठिए। हाय मॉम, मैं बस ऑफिस से निकल ही रहा था, अब पहुंच ही रहा हूँ वहाँ पे। अरे पर तुम हो कहाँ? थोड़ी देर पहले फोन किया तो किसी लड़की ने फोन उठाया, फिर काट दिया, और फिर जब मैंने फिर से ट्राई किया तो फोन ही ऑफ था। अब नहीं तो मॉम, एक्चुअली वो क्रॉस कनेक्शन हुआ था ना मॉम, फोन तो मेरा ऑन ही था। मैं बस वहाँ थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ मॉम। ओके प्लीज हरी अप। हाँ बाय। फाइन। सॉरी मॉम, मैं थोड़ा लेट हो गया। मॉम आप तो फोन पे ऐसे बात कर रही थी जैसे पता नहीं। आदर्श सरप्राइज है, सरप्राइज रहने दो। सरप्राइज? मैं भी देखूं जरा क्या सरप्राइज है। कैसा लगा सरप्राइज? हमें मिल गई। मुझे लगा था हम लोग अकेले में बात करने वाले। सोचा तो मैंने भी यही था, और अचानक से तुम लोगों के बारे में इतनी सारी बातें पता चली। स्कूल फ्रेंड्स रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फ्रेंडशिप है, चैटिंग चलती रही इतने सालों से, तो मुझे लगा कि साथ में बात करनी चाहिए। अब बताइए कितने सालों से ये चल रहा है? अब वो 11 साल से। मोरे जिया